केजरीवाल का रिमांड फिर से बढ़ा दिया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी उपस्थिति में उनकी रिमांड अवधि को बढ़ा दी है। अब उन्हें 1 अप्रैल को 11 बजे कोर्ट के सामने लाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में खुद 5 मिनट का समय मांगकर अपने खिलाफ ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। दूसरी तरफ केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से एक राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पक्ष को खारिज कर दिया है जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दलील दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोर्ट का दखल नहीं होगा, ये कार्यपालिका का मामला है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने कोर्ट के बाहर जिस मामले को पूरे हफ्ते बार बार दोहराया है, उसको ही कोर्ट के सामने खुद अरविंद केजरीवाल ने लाया। इस समय कानून के अनुसार PMLA मामले के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को जितनी अधिक शक्ति दे दी गई है, उससे जमानत बहुत मुश्किल हो गई है। अरविंद केजरीवाल का रिमांड 1 अप्रैल तक के लिए है और इसके ठीक 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में उनके जमानत के विरोध में ईडी के तर्कों को सुनकर फैसला देगा। इस तरह यह लगता है कि अदालत में भले ही अरविंद केजरीवाल के पक्ष में तर्क रखे जा रहे हैं, परंतु पूरे मामले का निर्धारण अब जनता के ही कोर्ट में होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी अदालत के बाहर इस मामले पर लगातार तर्क दे रही है और आम आदमी पार्टी के लोग भी ये साबित करने में लगे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन कैंपेन से दूर रखने की ये साजिश है। केजरीवाल के पक्ष में 5 बातें। कुछ ज़्यादा लोकप्रिय टीवी मीडिया अरविंद केजरीवाल संबंधी खबरों को इस तरह पेश करता है मानो वो अपराधी हो। बुधवार 27 मार्च को हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने की जगह ये कहा कि अभी ईडी को सुनने का वक्त देते हैं। इस तरह इस विषय पर सुनवाई चल ही रही है कि इससे पहले ज़्यादा देखे जाने वाले एक चैनल ने ये कहना शुरू कर दिया कि हाई कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। इस तरह से ये कहने की ज़रूरत है कि ईडी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से केजरीवाल के खिलाफ कुछ आधार तैयार हो जाए। राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज अपना फैसला दे दिया है। इस सामान्य लॉजिक को भी दोहराया जाता है कि पहले से जो मंत्री इस मामले में बंदी बनाए गए हैं, उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। अभी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उनके मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य मंत्रीगण को जमानत नहीं मिली है। ऐसे तर्कों से लोगों को धोखा होता है। भ्रम ये बनता है कि मामले में कुछ दम है और केजरीवाल का जेल में बंद करने का कारण बनता है, परंतु केजरीवाल के मामले में ये दोहराना होगा कि न्यायिक प्रक्रिया का ये है कि जेल अपवाद है, बेल सामान्य। न्यायालय राजनीतिक रूप देखकर काम नहीं करता, मुकदमे के मेरिट से काम करता है। न्यायिक प्रक्रिया की ये सामान्य बात है कि जिस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया जा रहा है, वह व्यक्ति बाहर रहकर प्रमाणों को प्रभावित करेगा, बर्बाद करेगा, परंतु यह केस इतना पुराना है कि जो कुछ करना था वह कर दिया गया होता। इस वजह से जेल में रखने का कोई आधार नहीं बनता। ये भी स्पष्ट है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी में कोई कठिनाई नहीं है। केजरीवाल के पासपोर्ट को जब्त करने के अलावा और कुछ भी ज़रूरी नहीं है।